नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। जीतीय व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। माताएं हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बच्चों की सलामती के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में गंधर्व राजा जीमूत वाहन की पूजा के साथ जीतीय व्रत की कथा सुनी और पढ़ी जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना मन में लिए पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। ऐसे में आइए आज आपको बताएंगे कि क्या प्रेगनेंसी में ये व्रत रखना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जीतीय व्रत कब है। हिंदू पंचांग के मुताबिक जीतीय व्रत को अश्विन कृष्ण अष्टमी को रखा जाता है। अष्टमी तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:34 पर होगा और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगा। इसलिए जीतीय का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और 7 को इसका पारण किया जाएगा। तो चलिए अब सवाल आता है कि क्या गर्भवती महिला ये व्रत रख सकती है। तो आपको बता दें, जीतीय व्रत वैसे तो संतान के लिए ही रखा जाता है, लेकिन ये व्रत पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर करना पड़ता है और प्रेगनेंसी के दौरान भूखे प्यासे रहने की वजह से महिला और शिशु की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में गर्भवती महिला को ये व्रत नहीं रखना चाहिए ताकि महिला और शिशु को सेहत से जुड़ी परेशानियों से बचे रहने में मदद मिल सके। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ये व्रत नहीं करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्भवती महिला और शिशु को स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। अगर इसके महत्व की बात करें तो ये जीतीय व्रत का महत्व ये है कि ये व्रत संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही पुरानी कथाओं में भी इसका महत्व बताया गया है और उसके अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु के जीवन दान का वरदान दिया था। इसलिए ये व्रत संतान की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस व्रत को रखने से भगवान श्री कृष्ण आपकी संतान की रक्षा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।